संख्या पद्धति संख्या पद्धत आज हम पढ़ेंगे। संख्या पद्धत किसे कहते हैं, क्या है, यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे धन पूर्णांक। देखेंगे धन पूर्णांक, यानी मतलब धन पूर्णांक किसे कहते हैं। धन पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे कौन कौन सी, 1 2 3 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक सभी क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आई प्लस या एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम दूसरी कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, किसे पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, शून्य सहित धन पूर्णांकों को, धन पूर्णांकों को, धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहते हैं कहते हैं जैसे 0 1 2 3 4 10 ये सब क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं, धन पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गया, अब हम ऋण पूर्णांक की बात करते हैं, किसकी, सॉरी ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक, अब ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होती हैं, ऋणात्मक, क्या होती हैं, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांकों ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक
पूर्णांक कहा जाता है, कहा जाता है, जैसे जैसे इनफाइनाइट डेटस -4 -3 -2 -1, ये सब क्या कहलाएंगे? ऋण पूर्णांक संख्याएं। इन्हें आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, किसे पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांकों धन पूर्णांक सॉरी ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह समूह धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। इन्हें किससे हम प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इन्हें आई से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें आई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होती है, यानी कि जो धन संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं। अब उसके बाद आया क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, धन पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं और जो जीरो होता है वो सहित, जीरो सहित जो धन पूर्णांक होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर ऋण पूर्णांक आया, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक किसे कहते हैं, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक और जीरो सहित संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद आता है सम संख्याएं। क्या आता है, सम संख्याएं किसे कहते हैं, जो दो से विभाजित हो, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 डस, ये सब क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। यानी कि सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। अब बात करते हैं, जैसे एक ट्रिक कर लेते हैं। जिन संख्याओं का
इकाई अंक। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें 0, 2, 4, 6, 8 आती हैं, तो सम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। अब हम देख लेते हैं विषम संख्याएं। किसे? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1, 3, 5, 7 इनफाइनाइट। अगर हम बात करें ये सब क्या कहलाएंगे? विषम संख्याएं। ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक जिन संख्याओं का इकाई स्थान इकाई का अंक वन थ्री फाइव सेवन नाइन इनमें से कोई इकाई स्थान आ जाए तो वो विषम संख्याएं होंगी हमेशा।